स्वप्न देखे, वो स्वप्न कैसे थे, सुंदर दृश्य आप लोग श्री राम जी लक्ष्मण जी माता जानकी की ओर से पंचवटी का पावन दृश्य भरत मिलाप की लीला में आप लोग दर्शन करेंगे। व्यास जी को साधुवाद है, भगवान इसी तरह से आनंद करता रहे। बड़ी सुंदर सुंदर चौपाइयों का गायन जो आज तक कभी नहीं सुना गया, बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय व्यास जी। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, वहां राम रजनी अब सीसा जागे सी सपन अस देखा। आओ लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण सीता के द्वारा ऐसा स्वप्न देखा गया है कि भरत विशाल सेना लेकर इस चित्रकूट में भरत का आगमन हो रहा है विशाल सेना लेकर, लेकिन यह स्वप्न अच्छा नहीं, ऐसा लगता है कोई अत्यंत ही दुखद समाचार आवेगा। लखन सपन यह नीक न होई। बहर सोच भए मस भेसी अवरनु कारण कवन भरत आगमनु, लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारु कहत समय समनीत विचारु। बिन पूछे कछ कहूं गोसाई सेवक समय न ढीठ रिठाई। हे नाथ मैं बिना कुछ पूछे आपसे कुछ कहने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि यह सेवक का धर्म होता है। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी आप उन समुझ कहो अनुगामी, वैसे तो आप सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं शिरोमणि हैं। अपना मान करके मैं आपसे कुछ कहने जा रहा हूं दीनानाथ। आप सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, आपका मन निर्मल है, आप हृदय के स्वच्छ हैं, आप किसी की कुटिलता को पहचानते नहीं हैं, लेकिन मेरा विचार ऐसा है भरत नीत रथ साथ सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। भरत साधु है नीत को जानने वाला है, आपके चरणों में अत्यंत प्रेम रखने वाला है, लेकिन दीनानाथ कब किसकी नीयत कब बदल जाए यह पता नहीं चलता है। माता कैकेयी के द्वारा वरदान मांग लिए गए भरत के राज बनने के लिए, भरत राज पा गया और राज पाने के पश्चात मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके हृदय में भी मद ने जन्म ले लिया है, अहंकार ने जन्म ले लिया है, अहंकार ने जन्म ले लिया, तभी तो भारी सेना लेकर के हम दोनों भाइयों के पास आ रहा है। यदि आपके शरण में आना होता तो वह भारी सेना की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती है। भरत ऐसा मालूम हो रहा है कि भरत के हृदय में भी कपट ने जन्म ले लिया है। आज आप मुझे आदेश प्रदान करें, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझूंगा मैं, अरे ये अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं, वैसे भी ये हृदय चल रहा था, ये मछली मां के करतूतों से क्या दुख होता है, वो राज छूटने का पूछे कोई रतपूतों से, इतने में संतोष नहीं वो सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझ करके हमको वो धरने पकड़ने आता है, ये नहीं जानता कायर यदि कुछ बल निर्बल में है, यदि बड़ा एक मलो में है तो बड़ा एक जंगल में भी है, इसलिए आप मुझे आदेश प्रदान करें, मैं सेना समेत भरत का नाश कर दूंगा, नाश कर दूंगा, नाश कर दूंगा। जग भय मगन गगन भई बानी लखन बाहुबल विपुल बखानी। लक्ष्मण मैं जानता हूं तुम्हारा ऐसा स्वभाव है क्रोध बड़ी जल्दी आता है तुम्हें, लेकिन लक्ष्मण थोड़ा विचार करो, तुम भरत को दोष दे रहे हो, कह रहे हो भरत को राज्य का मद हो गया, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण मैं तो यह कहूंगा भरत ही होए न राज मद विधि हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सी करन छीर सिंधु बिन साए, एक लोटा दूध खटाई की बूंदों से नष्ट हो सकता है लेकिन छीर सागर समुद्र नहीं नष्ट हो सकता। इसलिए लक्ष्मण अरे यह
अंधकार चाहे प्रकाश को समाप्त कर दे, इतना ही नहीं मच्छर की फूंक से चाहे पर्वत उड़ जाए, गाय के खुर के बराबर जल में महामुनि अगस्त, वही महामुनि अगस्त जिन्होंने अपनी अंजलि में समुद्र को पी लिया, ऐसे अगस्त जी थोड़े से जल में डूब जाएं, लेकिन भारत को कभी राज्य का मत नहीं हो सकता। मैं तो यह कहूंगा, भारत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, रघुवंश रूपी तालाब में भरत एक हंस के समान है, भरत को तुम दोष ना दो। तब की वटी ऊंचे चढ़धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखिए विटिप विशाला, पाकर जामुर साल तमाला। प्रथम राम भेटी कह के आ भरत मिलाप में चित्रकूट का जो प्रथम दरबार है आज लगने के लिए जा रहा है। श्री राम जी के आदेश से सभी माताएं एवं सभी पुरवासी सैनिक विश्राम करें। गुरु वशिष्ठ के सहित श्री राम जी और भरत जी के मध्य जो वार्ता होगी वह प्रथम दरबार चित्रकूट का भरत मिलाप में आप लोग दर्शन करें। हे प्रभु, मैं समस्त सैनिकों को विश्राम की व्यवस्था करवाता हूं, तब तक आप विश्राम नहीं कुछ भोजन की भी व्यवस्था करवा देना, क्योंकि श्रमत हो गए हैं। हे श्री राम, भरत अयोध्या से, अयोध्या की सारी प्रजा भी आई है और तुमसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं, सो तुम दोनों भाई आपस में अपने इस भाई की बात को सुनो और समझो। कहो भैया भरत, क्या कहना चाहते हो? हे मेरे महाप्रभु, मैं तो यही कहूंगा कि आप अयोध्या वापस चले और पुनः उस राज्य को संभालें। मैं उस राज्य को नहीं संभाल सकता, आप ही आपके उस अयोध्या के राज के उत्तरदायित्व है, और मैं आपके बिना उस अयोध्या में नहीं रह सकता, और आप मेरे साथ में पुनः चले, मैं आपको लेने आया हूँ मेरे महाप्रभु। भरत, तुम विचार करो, जिस कारण, जिस वचन के कारण हमारे पिता श्री का स्वर्गवास हुआ, तुम कह रहे हो कि अयोध्या में वापस लौट चलूं, जो एक बार निश्चय करके फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। इसलिए भरत, तुम अयोध्या वापस लौट जाओ, और अयोध्या के राज्य पर अब तुम्हारा ही अधिकार है, उस राज्य को ग्रहण करो। भरत, नहीं मेरे महाप्रभु, आज आप ये क्या कह रहे हैं? ये भरत आपके बिना उस अयोध्या का राज करे ऐसा तो कदापि नहीं होगा। हे मेरे नाथ, यदि आप इन वन में रहेंगे तो मैं भी आपके साथ इन 14 वर्षों वन में रहूंगा। आप अयोध्या वापस चले जाएं, मैं और शत्रुघ्न इन वनों में भ्रमण करेंगे, 14 वर्षों की बात है। तो आप अयोध्या जाएं और मैं और शत्रुघ्न उस माता की आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे नाथ, आप हमें क्यों अनाथ कर रहे हैं मेरे महाप्रभु? भैया भरत, मैं तुम्हारा कष्ट समझता हूँ, लेकिन माता का आदेश हमें वन के लिए हुआ है, तुम्हें राज्य के लिए हुआ है, ऐसी स्थिति में तुम्हें राज्य ग्रहण करना चाहिए। भैया, छोटा भैया करेगा राज, छोटा भैया करेगा राज, धर्म यही कहे। I'm
प्रभु, आज आप यह क्या कह रहे हैं कि मैं उस अयोध्या का राज करूं? नहीं मेरे महाप्रभु, बड़ा भैया करेगा अब राज धर्म ये कहता है। प्रभावित हुए हमारे जगत सिंह राजपूत जी, इनके द्वारा ये केश मुद्रा है, और आप हैं हमारे मदन पाल राजपूत जी, इनके द्वारा श्री रामचंद्र जी और भरत जी के चरणों में केश मुद्रा है। कोट कोट साधुवाद भैया। तात भरत तुम धर्म धुरीना, वेद वेद विद प्रेम प्रवीणा, तात भरत तुम धर्म धुरीना, ओ जान तरन कुल रीति जानहु तात, सत्य प्रीत पितु कीरति प्रीति, सत्य प्रीत तात तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा, छोटा धर्म यही कहता है, या करेगा अब राज धर्म ये कहता है। मेरा भैया, हम तो यह कब से चाहते थे कि अयोध्या का राजा भरत को बनाया, और जिस समय हम अयोध्या की गलियों में भ्रमण करेंगे, अयोध्या वासी यही कहेंगे, देखो हमारे महाराज के बड़े भाई जा रहे हैं। और आप हमारे भैया श्री ब्रज किशोर जी राजपूत, 21 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही चाहता हूं, मेरा भैया करे
धर्म यही कहता है, धर्म यही कहता है, धर्म यही कहता है। ये मेरे महाप्रभु पिताजी की स्वर्गवास के कारण आप ही मेरे माता और पिता सब कुछ है। आप चलकर अयोध्या चले और उस राजपाट को संभाले। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, आप ही मेरे सब कुछ है। हे मेरे महाप्रभु आप अयोध्या लौट चले। अवश्य भरत, ठीक है, यदि तुम मुझे राजा बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे वचनों को टालूंगा नहीं, लेकिन मैं 14 वर्ष तक यही वन में रहूंगा और 14 वर्ष तुम मेरी प्रतीक्षा अयोध्या में करना। मैं अविलंब में तुम्हें अपनी चरण पादुकाएं दे रहा हूं। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। तुमने जो यह मार्ग निकाला है अति उत्तम है, क्योंकि ना तुम अपने धर्म को छोड़ना चाहते हो और ना भरत अपने धर्म को छोड़ना चाहता है। तुम्हारे वंश की तो ये रीति है कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीति सुहाई। सो भरत भी यही चाहते हैं कि जेठा स्वामी बने, लेकिन ये भी तो तुम्हारे ही वंश की रीति है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, पर प्राण जाए पर वचन न जाए। तुम दोनों बंधु अपने अपने धर्म पर अडिग हो। धन्य है तुम्हारा भेद भ्रातत्व प्रेम राम, जो तुमने ये अवलंब दिया है। इसी से ही भरत 14 वर्षों तक तुम्हारी उस प्यारी प्रजा की सेवा और रक्षा करेगा। चलो भरत साहस, अब उस प्रजा की सेवा करो, जब तक तुम्हारे भैया ना आ जाए प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना होना चाहिए। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की। भरतलाल जी श्री राम जी की चरण पादुका को लेकर के अयोध्या वापस चले जाते हैं और उन चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर स्थापित करके अयोध्या के कारभार को देखने लगते हैं। और यहाँ पर प्रभु श्री राम जी को चित्रकूट में निवास करते करते बहुत समय हो जाता है। वहाँ श्री राम जी को सभी लोग जानने लगते हैं, अयोध्या से आना जाना लगा रहता है। इसलिए श्री राम जी विचार करते हैं कि चित्रकूट को छोड़ करके अब हमें अन्य स्थान पर जाना चाहिए। तो श्री राम जी सभी ऋषियों मुनियों से मिलते हुए अगस्त जी के कहे अनुसार श्री राम जी लक्ष्मण जी मैया जानकी जी पंचवटी पर निवास करते हैं और यहीं से सुंदर सीता हरण की पावन लीला का दर्शन आप लोग करने के लिए जा रहे हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, यहां से लीला का शुभारंभ होगा। ज्ञान वैराग्य की चर्चा श्री लक्ष्मण जी के द्वारा श्री राम जी से पूछी जाएंगी। श्री राम जी बहुत ही सहज रूप में उन्हें बताएंगे और सुंदर सूपनखा के नागकान का विच्छेदन होगा। लीजिए यहाँ से सीता हरण की लीला का दर्शन करें। धन्यवाद। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन